ऑल ओवर पाकिस्तान अक्रॉस द ग्लोब सुनने वाले सभी सामाइन को तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सोई थोड़ी बात इंग्लिश पे एंड माई सेल्फ कॉल सबा गजाली। जनाब लिसनर्स कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सुन रहे हैं आप थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ रेडियो सबका साथ द प्रोजेक्ट ऑफ नई सुबह। लिसनर्स मौसम है खुशगवार, सर्दियां आ चुकी हैं, सर्दियों का है दौर दौरा और ड्राई फ्रूट्स आ चुके हैं, सर्दियों की सौगातें हैं उरूज पे। कैसे गुजार रहे हैं आप अपनी सर्दियां बता सकते हैं आप हमें अपने कमेंट्स पे, हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए, हमारे फेसबुक पेज के जरिए और हमारे ट्विटर के जरिए। तो हमें अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह करें। प्लस आज का हमारा प्रोग्राम है आपका जाना पहचाना। फॉर्मेट होता है कुछ फ्रेजेस, कुछ बातें, कुछ पॉजिटिविटी और कुछ करंट सिनेरियोस पे डिस्कशन। सो आइए इब्तिदा करते हैं अपने प्रोग्राम की एक बहुत अच्छे वर्ड से। लास्ट टाइम हमने अपने रेडियो शो में कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, उसी सिलसिले को बढ़ाएंगे आगे और डिस्कस करेंगे कुछ और नए ब्यूटीफुल वर्ड्स। बिल्कुल, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है ग्रिंच। ग्रिंच, GRINCH। ग्रिंच इज अ पर्सन हु स्पॉइल्स अदर्स एंजॉयमेंट, यानी कि वो पर्सन जो दूसरों की एंजॉयमेंट तबाह कर दे, दूसरों का मूड स्पॉइल कर दे। द पर्सन हु स्पॉइल्स अदर्स मूड इज कॉल्ड अ ग्रिंच। इसको हम अपने सेंटेंस में इस तरह यूज कर सकते हैं कि डू नॉट बी अ ग्रिंच, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग ओवर देयर, यानी कि आप सबका मूड स्पॉइल ना करें, यहाँ पर देखे सारे एंजॉय कर रहे हैं, देन यू शुड एंजॉय टू। सो जनाब ये है हमारा वर्ड पहला जो के है भला क्या। जनाब ये है ग्रिंच, डू नॉट बी अ ग्रिंच मैन। इसके अलावा इसी के सिनोनिम्स को देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं किल जॉय। किल जॉय मीन्स वही होता है कि दूसरों की खुशी को भी खराब कर देना, या अगर हम उर्दू का मुहावरा इसके लिए इस्तेमाल करें तो ये भी हो सकता है कि रंग में भंग डालना। कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारी जिंदगियों में जो रंग में भंग जरूर डालते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अपने फेस्टिवल्स की या ओकेजन्स की, फैमिली ओकेजन्स की, तो उसमें भी हमारे साथ ये होता रहता है कि हम जो है वो बहुत सी ऐसी परेशानियां फेस करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि नाराज़ हो जाते हैं बात बात पे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है लोग कहते हैं चाय नहीं मिली हमें वक्त पे, हम रहने गए थे मेहमान बन के, तो ऐसा भी होता है। इस वजह से वो बात इतनी उनके लिए बड़ी हो जाती है कि वो जो है वो दूसरों का मूड स्पॉइल कर देती है। इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं हमें इम्पोर्टेंस नहीं मिली, हमें वैल्यू नहीं मिली, और इस बात को लेके वो एक खड़ा करते हैं बहुत बड़ा ड्रामा, और उसके बाद होती है सबकी खुशी स्पॉइल। तो जनाब ऐसे लोग होते हैं ग्रिंच, या फिर करते हैं वो किल जॉय, यानी कि खुशी को किल कर देते हैं सिंपली। सो हम कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ रेडियो सबका साथ द प्रोजेक्ट ऑफ नई सुबह। तो जनाब अगर हम देखें इसी लफ्ज़ को, कि लफ्ज़ बहुत इम्पोर्टेंट है ना, तो अगर हम देखें तो इसी का हमें एक और लफ्ज़ भी नजर आता है, और वो क्या है? वो है स्पॉइल स्पॉट। स्पॉइल स्पॉट, SPOIL SPOT, स्पॉइल स्पॉट। जनाब स्पॉइल स्पॉट मीन्स वो शख्स जो दूसरों का मूड तबाह कर देता हो या रंग में डाल देता हो भंग। सो सिमिलर टू द अदर वर्ड्स किल जॉय और द फर्स्ट वन विच वॉज ग्रिंच, तो ग्रिंच के साथ ये दो लफ्ज भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। जैसे कि he's a killjoy person, I don't want to meet him, no I cannot go with him, he's a spoil spot. So these are the words which you can use in your daily vocabulary and you can make your English more advanced. So janab ye hai English for everyday life jisko hum bana sakte hain more interesting aur bahut hi मजे से हम कर सकते हैं अपनी बात इंग्लिश में। तो जनाब थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे, मैं हूँ सबा गजाली। मौसम है सर्द पर पॉलिटिकल सिनेरियो है थोड़ा थोड़ा गर्म, समझ नहीं आती ऊंट किस करवट बैठेगा।
बैठेगा तो सही पर ये नहीं पता कि किस करवट बैठेगा, तो आई डोंट नो, बट दिस इज थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे एंड माई सेल्फ कॉल्ड सबा गजाली। सो जनाब बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे और आपके साथ डिस्कस करते हैं एक एनिमल। जी एनिमल, और एनिमल है हमारा आज का लिंक्सिस, और लिंक्सिस स्पेल्ड एज LYNXES, लिंक्सिस। सो लिंक्सिस जो है वो एक प्लूरल है, यानी के जमा है, और अगर हम इसको सिंगुलर में देखें तो इट्स अ लिंक्स, LYNX। लिंक्स जो है वो एक सॉर्ट ऑफ कैट टाइप एनिमल है, स्मॉल कैट है, और इनमें फर भी होता है और छोटी छोटी इनकी दुम होती है, ब्लैक टफ्ट्स होते हैं इनके ऊपर, और उसके अलावा जो है वो ये जो एनिमल होता है ये खाता है डियर, DEER, डियर हिरन, और इसके अलावा फॉक्स, और उसके अलावा जो है वो डिफरेंट बर्ड्स और डिफरेंट एनिमल्स को, शीप्स को ये खाता है, तो ये भी एक शौकीन एनिमल होता है। अच्छे होते हैं ये, और इसी तरह से हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम डिफरेंट एनिमल्स के बारे में जानें। तो वापस आते हैं अपने वर्ड्स पे और डिस्कस करते हैं अपना अगला वर्ड विच इज विविफाई, VIVIFY, विविफाई। विविफाई मीन्स टू मेक मोर एनलाइवन, टू मेक मोर इंटरेस्टिंग और लाइवली एटसेट्रा। तो जनाब ये है विविफाई। अगर हम इसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना चाहें तो हम कह सकते हैं एक्सरसाइज कैन विविफाई द हेल्थ एज इट गिव्स मोर एनर्जी एंड दिस विल रिजल्ट इन मोर प्रोडक्टिविटी। सो ये है एक सेंटेंस। इसके अलावा अगर हम इसको यूज करना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं अनाउंसमेंट ऑफ फील्ड ट्रिप्स विविफाई द मूड ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि जनाब हम लोग सभी आउटसाइड जाने के शौकीन होते हैं तो इसलिए सबका ही मूड अच्छा हो जाता है। सो दीज वर द वर्ड्स विच वी हैव डिस्कस्ड सो फार। इसको आप भी अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ, करते रहेंगे इंशाल्लाह अगले साल भी थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे। अभी तो लेकिन इस साल का एक शो बाकी है, अरे आई फॉरगॉट, तो नहीं अगले साल भी मिलेंगे लेकिन इंशाल्लाह इस साल में भी मजीद करेंगे थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे। तो जाने से पहले बस यही पैगाम के रखिए अपना ख्याल और अपने चाहने वालों का भी, प्लस अपनी जिंदगियों को बनाइए सहल ताकि आप खुद भी पुरसकून रहे और दूसरों को भी आपसे कोई ईजा ना पहुंचे। तो खुश रहिए इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला दूसरों को खुश रखने वालों को कभी भी परेशान नहीं होने देता। सो स्टे ब्लेस्ड, डू योर बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन ऑलमाइटी। तो जनाब स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, टेक केयर, कोविड SOPs का ख्याल करते रहें, और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम।